जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्शन न्यूज में। जी हां साथियों, मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी भी बहुत बड़ी खबर निकल रही सामने आई है। जी हां साथियों, हम आपको बता दें, कांग्रेस जून में घोषित करेगी टिकट। इन सीटों पर सबसे पहले उतारेगी प्रत्याशी। 17 अप्रैल को कमलनाथ ने बुलाई बड़ी बैठक। जी हां साथियों, हम इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमें चैनल पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि मेरे द्वारा डाली गई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। MP में 7 दिसंबर 2023 को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। प्रदेश में जहां एक तरफ भाजपा कार्यकर्मी और योजनाओं का ऐलान कर रही है, वहीं कांग्रेस अभी से उम्मीदवारों पर विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के टिकट जून में ही घोषित हो जाएंगे। कांग्रेस चुनाव से करीब 5 महीने पहले ही टिकट देने की तैयारी में है। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रदेश में कांग्रेस को मिली सत्ता जाने के बाद इस बार पूरी कोशिश होगी कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए। हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसके लिए पार्टी ने उम्मीदवारों को टिकट देने के लिए फॉर्मूला भी बना दिया है। और हम आपको बता दें कि लगातार हारने वाली सीटों पर सबसे पहले प्रत्याशी की घोषणा होगी। कांग्रेस करीब 80 सीटों पर जून में उम्मीदवार उतार देगी और 17 अप्रैल को PCC चीफ कमलनाथ ने बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में फाइनल रणनीति की तैयारियां की जाएगी। जी हां साथियों, और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की ताज़ा खबर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।